Subscribe and press the bell icon for latest update. लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आज फिर से मैं बात करूंगी अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर। जी हां, नीरव मोदी को लेकर पीएम मोदी का रिश्ता जोड़ा जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि नीरव मोदी को जानते हैं पीएम मोदी और इस वजह से पीएम मोदी की सहायता से ही कहीं ना कहीं नीरव मोदी देश से भागने में सफल हुआ है। अभी आपको इसमें एक बड़ी जानकारी ये दे दूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आखिर किस समीकरण के अनुसार पीएम मोदी की सहायता से नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ साफ पहले ललित मोदी पर निशाना साधा और फिर उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया और फिर ऊपर लिखा पीएम मोदी। तो इसके साथ ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है पीएम मोदी को लेकर। और अगले साल ऐसा कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी हाल अब पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव है, फिर साल के अंत में उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनाव है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी की साख पर नीरव मोदी को लेकर बड़ा बट्टा लगता जा रहा है, कहें कि साख पर सवालिया निशान लग रहा है। तो वहीं सिर्फ नीरव मोदी ही क्या, अब एक और शख्स की इसमें एंट्री हो गई है, उसको लेकर भी पीएम मोदी को चौतरफा घेरा जा रहा है। जी हां, इनका नाम है मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी नीरव मोदी के साझेदार हैं और उनके साथ ये भी फरार हैं देश से बाहर। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये बीती जनवरी में ये भी देश छोड़कर भाग चुके हैं और मेहुल चौकसी को लेकर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नीरव मोदी से तो उनका खास कनेक्शन तो है ही, साथ ही पीएम मोदी के साथ भी उनका बहुत बड़ा संबंध है। ये संबंध क्या है और साथ ही जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं कि पीएम मोदी का बार बार ऐसे नाम सामने आ रहा है, जैसा कि नीरव मोदी को लेकर नाम सामने आ रहा है, क्योंकि नीरव मोदी का पीएम मोदी से इसलिए खास संबंध जोड़ा जा रहा है, एक तो दोनों का सरनेम सेम है क्योंकि वो भी मोदी हैं और ये भी मोदी हैं, इसलिए मोदी। तो उस पर बीजेपी ने ये कहा था, हमने आपको लगातार बताया कि बीजेपी ने भी लगातार कहा था कि सरनेम सेम होने की वजह से मतलब नहीं है कि आप पीएम मोदी से किसी को भी जोड़ देंगे, क्योंकि ललित मोदी का जब नाम सामने आया था उस वक्त भी मोदी काफी चर्चाओं में रहा था, लेकिन हालांकि वो ये जो बात हुई थी उस वक्त देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज नहीं थे, वो यूपीए की सरकार में हुआ था, अभी एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मेहुल चौकसी को लेकर अब चौतरफा घेरा जा रहा है पीएम मोदी को, और नीरव मोदी जिस तरह से देश से फरार हैं और मेहुल चौकसी भी देश से फरार हैं और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में कई ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है जो कि बयां कर रहा है कि पीएम मोदी जो है मेहुल चौकसी को जानते हैं। जी हाँ, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के बाद अगर कोई शख्स अगर संवैधानिक पद पर है, अगर वो लोगों से मुलाकात करता है, कई व्यापारियों से मुलाकात करता है, उद्योगपतियों से मुलाकात करता है, कई अरबपति व्यापारियों से मुलाकात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका किसी से कोई कनेक्शन भी होगा, क्योंकि लगातार इसी बात को घेरा जा रहा है। मेहुल चौकसी को लेकर भी इसी तरह की बातें सामने आई हैं कि पीएम मोदी उनको जानते हैं और प्रधानमंत्री आवास पर बकायदा बैठक भी हुई थी किसी एक बात को लेकर सोने की बातों को लेकर हुआ था कि कैसे सोने की चीजों को बढ़ाया जाए, उस पर पीएम मोदी ने अपील भी की थी। तो उसी दौरान जब वो मीटिंग कर रहे थे उस दौरान वहां पर मेहुल चौकसी वहां पर बैठा हुआ था और उसी दौरान कुछ ऐसा पीएम मोदी ने कहा जिससे लग रहा है कि वो मेहुल चौकसी को पहले से जानते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसी खबर सामने आई है, मैं आपको वो खबर दिखाना चाहूंगी कि आखिर वो खबर क्या। आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, इस हेडलाइन पे गौर करिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा गौर करें, इस पर फोकस करें कि वेबसाइट का दावा है कि पीएम मोदी ने की थी पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल भाई की मेजबानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ ये खबर सामने आई है, इस खबर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का दावा है कि पीएम मोदी ने की थी पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल भाई की मेजबानी। और यहाँ पर मोदी वीडियो में अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कह रहे हैं, कोई भी खरीदार गहने खरीदने के लिए सबसे बड़े शोरूम में जाएगा,
लेकिन उसकी जांच अपने पारिवारिक ज्वेलर से ही कराएगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये पूरी खबर क्या है, इस खबर में और क्या क्या बातें बयां की गई हैं, जो वीडियो सामने आया है वो किसकी तरफ से सामने आया है और क्या क्या हुआ है उस मीटिंग में, ये जानने के लिए देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक को 11,500 करोड़ का चूना लगाने वाले अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर पीएम मोदी से रिश्ता जोड़ा जा रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह है दवोसा में हुए विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में पीएम मोदी के बगल में नीरव मोदी को बैठा हुआ देखा गया है। इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पीएम मोदी के साथ नीरव का क्या रिश्ता है। अब ऐसे में पीएम मोदी से नीरव मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लगातार दोनों के एक साथ बैठे हुए तस्वीरें खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। तो वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, मेहुल चौकसी को लेकर के कहा जा रहा है कि नीरव की तरफ से मेहुल के साथ भी पीएम मोदी का रिश्ता है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीएम मोदी हंसते हुए कह रहे हैं कि मेहुल को लेकर के बता दें आपको कि इस वीडियो में पीएम मोदी को भगोड़ा गुजराती आभूषण कारोबारी मेहुल चौकसी की मेजबानी अपने सरकारी आवास पर करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो साल 2015 का है जो कि समाचार पोर्टल ग्रॉन न्यूज की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो क्लिप में गीतांजलि समूह का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक चौकसी प्रधानमंत्री आवास में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2015 में जिस कार्यक्रम में शामिल होने चौकसी वहां पहुंचा था उसमें देश में सोने की मांग को हस्तोत्साहित करने और घरों व संस्थानों में पड़े लगातार 20,000 टन सोने को उपयोग में लाने के उद्देश्य से 3 योजनाएं घोषित की जानी थी। इसी दौरान पीएम मोदी योजनाओं के बारे में ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने में मदद करने के लिए लोगों को सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। फिर पीएम मोदी जाने पहचाने अंदाज से अपनी हंसी के साथ कह रहे हैं कि कोई भी खरीदार गहने खरीदने के लिए सबसे बड़े शोरूम में जाएगा मगर उसकी जाँच अपने पारिवारिक और ज्वेलर से ही करवाएगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि खरीदार अपनी ज्वेलरी की जांच करवाने अपने ज्वेलर्स के पास ही जाएगा। तो देखा आपने किस वीडियो में साफ साफ ये बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पीएम मोदी लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहे ना कि देश के विकास की ही बात कही थी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रतिबद्धता जताते रहते हैं कि देश को विकास की गति पर आगे लेकर जाना है, तो ऐसे में अगर उन्होंने किसी के साथ मीटिंग की और वहाँ पर अगर उन्हीं लोगों में एक मेहुल चौकसी भी था तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहुल को जानते हैं। मेजबानी करने का ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके उससे खास रिश्ते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत मीडिया में इस टाइम नीरव मोदी को लेकर लगातार जिस तरह से पीएम मोदी को घेरा जा रहा है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं से बीजेपी का हाथ है, तभी लोग फरार हो गए हैं। और ये 29 जनवरी को पीएनबी ने जो नीरव मोदी के खिलाफ एक केस उजागर किया, बीती 29 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई और उससे पहले ही नीरव मोदी उनके परिवार से जुड़े अन्य सदस्य और मेहुल चौकसी देश से फरार हो गए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पंजाब नेशनल बैंक को इस बात की भनक नहीं लगी, यानी कि भनक लगते ही देर हो गई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खबर ये भी सामने आई थी कि इसके बारे में पहले से ही केंद्र सरकार को अलर्ट किया गया था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ा सा ढूल मूल रवैया अपनाया और यही वजह रही कि जो नीरव मोदी है वो देश से फरार हो गया है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि नीरव मोदी जल्द ही गिरफ्त में आ सकता है क्योंकि वहां पर मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, वो उसके ठिकानों पर जा पहुंचा है। कई ऐसे जाने माने संस्थान है जिनकी तरफ से, जाने माने जो चैनल है उनकी तरफ से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ न्यूयॉर्क में अभी नीरव मोदी के होने का खुलासा हुआ है, लेकिन विदेश मंत्रालय लगातार इस पर कह रहा है कि हमें अभी उसके सटीक स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर सटीक स्थान कौन सा है और कहाँ पर रह रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वहाँ पर रवीश कुमार, यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रवीश कुमार, उनका कहना है साफ साफ कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी अगर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में ही
नीरव मोदी है, लेकिन कहा जा रहा है लगातार जो वहां पर दावोस में पीएम मोदी के साथ उसको देखा गया नीरव मोदी को, उसके बाद से कहा जा रहा था कि स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्विट्जरलैंड में नहीं है नीरव मोदी, अब वो न्यूयॉर्क की तरफ रुख कर चुका है। तो ऐसे में अगर होटल के बारे में मीडिया में खबरें आ रही कि जिस होटल में ठहरा है, होटल का भी जिक्र आ रहा है सामने, जिस होटल में ठहरा है अगर वहां पर जाती है जांच एजेंसी तो निस्संदेह नीरव मोदी को पकड़ा जा सकता है। तो वहीं पर अगर मेहुल चौकसी की बात करूं, जो वीडियो सामने आया, जो आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी उसमें जिस तरह पीएम मोदी मेजबानी कर रहे थे मेहुल चौकसी की, 2015 की ये बात है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है पीएम मोदी से, उसमें बहुत से ऐसे पेच भी हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। हालांकि इस पर सियासत भी अब काफी जोरों शोरों से की जा रही है, और ऐसे में जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उनका ये बयान सामने आया है कि बीजेपी पर आरोप लगाना कहीं से भी सही नहीं बैठता है, और ये केस तो साल 2011 से चल रहा है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल से चल रहा, तो आप भाजपा को निशाने पर कैसे ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह दावोस में पीएम मोदी के बगल में बैठा, पीएम मोदी के साथ नीरव मोदी को देखा गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत सवालिया निशान खड़े कर रहा है भाजपा की सरकार पर। हालांकि अभी इस पर सियासत गरमा रही है, विरोधी पार्टियां तो ये कह रही है कि इसमें पीएम मोदी और मोदी सरकार का हाथ है, इस वजह से नीरव मोदी देश से भागने में असफल रहा है। लेकिन भाजपा लगातार अपने जो आरोपों को है निराधार बता रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अभी जिस बात का हमें इंतजार करना है, वो इंतजार करना है जांच एजेंसियों का, उसके बाद ही मालूम हो पाएगा। लगातार कार्रवाई की जा रही, पीएनबी के 8 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, उनको उन पर कार्रवाई, उन पर गाज गिरी है। पीएनबी भी अब लगातार अपने इस प्रोसेस को देख रहा है, खंगाल रहा है कि आखिर किसके तहत उसने पैसा लिया नीरव मोदी ने। तो इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत गरमा रही है और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसमें अब वाकई इसमें बीजेपी का हाथ है या नहीं है, ये तो फिलहाल ये जांच एजेंसियों के हाथ में है कि वो इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर किसके सहारे भागा है नीरव मोदी। लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर से आपसे एक अहम मुद्दे के साथ होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।